हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए देखते हैं आगे। चलो यहाँ पे थे ना, चलो अब बताना डू इंडिकेट। अब डू इंडिकेट का सब्जेक्ट कौन है? देखो यहाँ पे क्या है, बट तो इधर भी सब्जेक्ट तो क्या हो गया, वर्ब, तो इधर भी होगा सब्जेक्ट वर्ब। क्या यहाँ पे ये है सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम? नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या होगा फ्रीक्वेंट फल्मिनेशन? वो भी नहीं। क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? द मार्क डिक्लाइन। अब डिक्लाइन मतलब कमी या मार्क किया हुआ कमी। अब ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, डू इंडिकेट। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे डज होना चाहिए था। डज इंडिकेट ए डिजायर। क्या डिजायर करते? एक इच्छा दर्शाता है। टू टोन डाउन मतलब कम करना। हीज ट्रेंचेंट पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो क्या ले लेगा? 100% नाउन लेगा। अब यहाँ देखो टोन डाउन मतलब कम करना, क्या कम करना? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है होता है कौन है, नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे नाउन, क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव आया है। इज ट्रेंचेंट फॉर कन्फर्टेशन। कन्फर्टेशन मतलब आमना सामना। वाइल, अब देखो वाइल, अब दो कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे व्हाइल है, तो इधर अगर पॉजिटिव तो इधर देयर इज इन एक्शन और डिले। क्या है? देयर इज इन एक्शन। अब देयर के साथ इज लगेगा कि यार, तो देयर सब्जेक्ट नहीं होता, डमी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर है तो इज, प्लुरल है तो आर। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, किसके तरफ से? गवर्नमेंट के तरफ से। इसको तो ब्रेक कर लीजिएगा। ऑन सम के साथ, देखो सम के साथ अनकाउंटेबल हुई या सम के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर नहीं। सम रिकमेंडेशन, अब देखो क्वाइट ए फ्यू अपॉइंटमेंट, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू। फ्यू के साथ हमेशा क्या आता है? प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आया ना प्लुरल काउंटेबल क्वाइट। अब देखो ये अपॉइंटमेंट नाउन है, ये ए फ्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एड वर्ब। देखो क्वाइट, एक था क्वाइट, ठीक है, एक था क्यू यू आई ई टी, एक है ये वाला। तो ये होता है बिल्कुल शांत एडजेक्टिव, ये होता है छोड़ना वर्ब, और ये होता है आपका एडवर्ब बिल्कुल। इंक्लूडिंग, अब जिसमें शामिल है, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हैव बीन, हैव बीन बताइए, हैव बीन का सब्जेक्ट कौन है? खुद से खोज के देखिए कहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला है, ए फ्यू अपॉइंटमेंट्स। सिंस फरवरी, अब हैव के साथ क्या लगता है? वी थ्री। अब बी वर्ब के साथ क्या है? वी थ्री। ठीक है, तो देखो ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। अपॉइंटमेंट बनेगा कि बनाया जा चुका है? तो बोलेंगे बनाया जा चुका है। सिंस, अब सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट एक खास टाइम हो, ठीक है, तो उसके लिए सिंस लगा हो। इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इंडिकेटिंग, फिर बताइए इंडिकेटिंग क्या है? क्या ये वर्ब है? तो बोलेंगे वी वर्ब नहीं है। जेरंड कैसे चेक करोगे? तो पहले चेक करेंगे सब्जेक्ट। ये अगर सब्जेक्ट बना दिया तो इसका वर्ब होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे वर्ब है? इधर देख के चल जो, कहाँ पे वर्ब है? यहाँ तो फुल स्टॉप है, इसका मतलब इसका वर्ब नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट, दूसरा पांच कंडीशन चेक कर लेना। ऑब्जेक्ट क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं, तो ये भी खत्म करो। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है? नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है? नहीं। चलो नाउन का पोसेसन किस पे है? नाउन पे। क्या नाउन है? इस पे पोसेसन डाल रहा? नहीं, तो इसका मतलब जेरंड नहीं है। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये इंडिकेटिंग व्हाट, क्या इंडिकेट करता है? ए थ्रो मतलब थोड़ा सॉफ्टनेस। इन द फोर्सी शत्रुता भरा रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, नेता और जो न्यायपालिका के कर्मचारी है उनके बीच। अब एक चीज समझ जाए, बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आएगा। ठीक है, कभी भी और एज वेल एज नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको दे देगा एंड और एज वेल एज से। अपार्ट फ्रॉम हिज वोकल क्रिटिसिज्म, उनका जो है ए पार्ट के साथ क्या लगता है? फ्रॉम हिज वोकल, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या आ जाएगा? नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, चूंकि एल भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्रिटिसिज्म है ऑफ द कॉलिजियम ऑफ अपॉइंटमेंट, के कॉलिजियम के खिलाफ थे, ठीक है, आलोचनावादी थे। ठीक है, हुच, अब यहाँ पे देखना है हुच, हुच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे मेनी अदर, मेनी के साथ हमेशा क्या आता है? प्लुरल काउंटेबल। मेनी अदर इंडीड सी, देखते हैं तो क्या देखते हैं? एज फ्लोड, एज बताए ना, एज प्रीपोजिशन हो तो के रूप में, कैसे? एक फ्लोड मतलब होता है जैसे कल उसमें फॉल्ट है, ठीक है। एंड इन
नीड ऑफ रिफॉर्म, और जरूरत है क्या रिफॉर्म की। किरण रिजिजू हैड इंटेंडेड, इंटेंड किए थे, ठीक है, मतलब उनका इच्छा था, रुचि था, ठीक है, टू वॉइस। अब वॉइस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये लेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे है, तो बोलेंगे प्रोनाउन नहीं है सर, नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। यूजुअली ट्रेंचेंट ओपिनियन, मतलब अच्छा नहीं, इंडिसिसिव कुछ भी बोलना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिएगा नोटबुक में। नॉट बीफिटिंग मतलब नॉट सुटेबल, बीफिटिंग मतलब सुटेबल। वन, अब फिर बता दो होल्डिंग क्या है, तो देखो वर्ब तो है नहीं सर, तो फिर जेरंड, जेरंड में देखो सब्जेक्ट चेक करके देखो, फिर ऑब्जेक्ट चेक करके देखो, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट चेक करो, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव चेक करो, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का पोसेशन, कोई नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। होल्डिंग व्हाट, तो ए पोर्टफोलियो। डैट, अब डैट बताओ कंजंक्शन की रिलेटिव प्रोनाउन, तो सीधा देखते हैं डैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। डैट इन्वॉल्व्स, जो शामिल करता है क्या, डीलिंग विथ, डील विथ हमेशा याद रखना, हैंडल करना याद रखना, डील विथ और डील इन, डील इन मतलब व्यापार करना, डील विथ मतलब डील इन मतलब व्यापार, डील विथ मतलब हैंडल करना। डील विथ मेंबर्स ऑफ सुपीरियर जुडिशरी, डील विथ करना किसको, मेंबर्स ऑफ सुपीरियर जुडिशरी क्यों, ठीक है, चलो याद रखने है डील विथ डील इन। चलो ही वंस एक्यूज्ड, एक्यूज्ड यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, मेन वर्ब से पहले आया। वंस ए फ्यू, अब ए फ्यू आएगा तो 100% क्या आएगा, नाउन प्लुरल ही आएगा। रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज। ऑफ बीइंग, अब बीइंग ऑफ के बाद देखो वी फोर है कि नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकता। बीइंग एंटी इंडियन गैंग, क्या होना एंटी इंडिया गैंग होना। हु वेयर, अब देखना हु वेयर किसके लिए है, हाँ यहाँ देख लेना हु वेयर, ठीक है, तो किसके लिए आएगा, तो यहाँ पे जजे के लिए। भाई पहले समझ लो रिलेटिव प्रोनाउन, जरूरी नहीं कि बगल वाले के लिए आ जाए, आपको यहाँ से देख के पता करना पड़ेगा कि वो किसके लिए आया है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन जब भी का क्वेश्चन डील करेंगे तो थोड़ा सा सतर्कता बरत लेना। हु वेयर ट्राइंग, जो कि ट्राई कोशिश कर रहे थे। टू मेक द जुडिशरी, टू मेक, अब देखो कॉजेटिव वर्ब आ गया ना, मेक प्लस के बाद क्या आता है बेयर इन्फिनिटिव, प्ले भूमिका निभाए, द रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी, किसका ऑपोजिशन पार्टी का। अब देखो मेक के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, याद रखना पैसिव हो तो टू लगा सकते हो, ये भी एक कंसेप्ट। अन अदर इंस्टेंस, देखो अन अदर अभी डील किए थे ना, अदर, अदर के साथ आता है आपको प्लुरल काउंटेबल नाउन, द अदर सिंगुलर और प्लुरल दोनों, लेकिन अन अदर के साथ हमेशा ये सिंगुलर काउंटेबल आता है क्योंकि अन प्लस अदर, अभी एन लगा हुआ है ना, एन लगा हुआ है, इसका मतलब देखो अन अदर के साथ इंस्टेंट। ही वॉइस, अपना आवाज ऊंचा किए, कंसर्न क्या चिंताएं, ओवर द कॉलिजियम, ओवर द कॉलिजियम, कॉलिजियम पर। मेकिंग, अब फिर बता देना मेकिंग क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, तुम लगा लेना ये क्या जेरंड वाला पांचों फॉर्मूला हो पाता है कि नहीं। पब्लिक, सम इंटेलिजेंस इनपुट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, जिसके बेसिस पर, ऑफ व्हिच जिसका, ठीक है, ऑफ व्हिच इन व्हिच जिसमें, तो एक तरह से काम कर लेगा कंजंक्शन का, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब इधर खोजिए। द कैंडिडेट रिकमेंडेड, अब आराम से आ जाओ, देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब आपको खोजना है, ये तो आपको सब्जेक्ट मिल गया वर्ब, रिकमेंडेड फॉर द अपॉइंट बेयर, अब ये दो वर्ब होते तो दोनों के लिए कंजंक्शन होता, कंजंक्शन तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब है कि ये बनेगा एडजेक्टिव और ये बन जाएगा आपका वर्ब। और सुनो यहाँ पे ये वी टू वी थ्री तो है नहीं, वी थ्री तो है नहीं ना, है वर्ब है ना, वी वर्ब है, तो हटा दो वी वर्ब, यहाँ पे बचा क्या एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव अगर वी टू करते हो तो दो वर्ब है, इसके लिए कंजंक्शन है ही नहीं। फॉर द पॉइंट बी आर डीम्ड, डीम्ड मतलब समझा जाना, ठीक है, वी थ्री है, क्या है वी थ्री है, समझा गया था, अनसुटेबल फॉर द बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं,